हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई एस के ठाकुर में मैं उपस्थित हूं, माइसेल्फ सोनू कुमार। तो वीडियो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग फिजिक्स बाई एस के ठाकुर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, अपने दोस्तों को बताएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि आपको मोटिवेशनल वीडियो, क्लासेस की, फिजिक्स की वीडियो और जो ट्वेल्थ ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या करें वो सारे वीडियो हमेशा मिलती रहेंगे और आपको हमेशा वीडियो के थ्रू गाइड करते रहेंगे हम कि आप क्या करें और ना करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बोले थे कि मिलेंगे फिर एक नए आईआईटी के क्वेश्चन के साथ या जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन के साथ, उसी की तरह आपको आगे हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं क्योंकि अभी आपका वही एग्जाम होने वाला है, तो यही चीज को लेके हम एक और नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ आज उपस्थित हूं। तो देखिए दोस्तों, चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितने आसान है और क्या है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, अगर आप लोग पहले बनाते हैं तो पहले क्वेश्चन को पॉज कर लें, इसको कॉपी में लिख लें, कैश में लिख लें, कॉपी में अगर आप लोग लिख लें, इसके बाद इसको दो तीन बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें और बनाने की कोशिश करें, गलत सही जो फॉर्मूला लगाते हैं लगाए, उसके बाद फिर फुल वीडियो को देखें और समझे कि कहां हमने गलती की थी। तो इससे क्या होगी दोस्तों, आपकी क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी बढ़ेगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और अगर आप पहले दो तीन बार पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं बनता है तब वीडियो को देखिए, तब सॉल्व कीजिए, तब आपके माइंड में चेकअप हो जाएगा कहां हम गलती कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताते हैं आज हम आपको। बोल रहे हैं ए पीस ऑफ वायर बेंट इंटू एन एल शेप, एल शेप का है ए पीस वायर का, समझे ना, विथ अपराइट अपराइट एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन, हॉरिजॉन्टल पोर्शन, यहां पे गलत लिखा गया पोर्शन, पी ओ आर टी आई ओ एन होता है, ऑफ इक्वल लेंथ, क्या है इक्वल लेंथ में बांटा गया है, ठीक है, कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में इक्वल लेंथ मतलब बराबर बराबर भाग में बांटा गया है, जिसका क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इच इज प्लेस्ड विथ द हॉरिजॉन्टल पर्सन अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब देखिए, तो यहां पे बोल रहा है कि इच प्रत्येक प्लेस जो है, समझे ना, हॉरिजॉन्टल पर्सन के अलोंग है जो एक्सिस की तरफ है, कॉनकेव मिरर टूवर्ड्स पोल ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर टूवर्ड्स पोल ऑफ मिरर, समझे ना, उसके टूवर्ड्स है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दोस्तों 10 सेंटीमीटर, इफ द बेंड इज 20 सेंटीमीटर, इफ द बेंड ऑफ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल से ये 20 सेंटीमीटर है, देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द अपराइट एंड हॉरिजॉन्टल पर्सन ऑफ द वायर इज, तो आपको हम लोग को यही निकालना है कि द इमेज ऑफ द अपराइट एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द वायर इज, तो कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये चीजों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बोल रहा है कनकेव मिरर बनाने के लिए, कौन सा मिरर बोल रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान से, कनकेव, तो हम लोग कनकेव मिरर को बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि यह दिया गया है, फोकस होता है, सेंटर होता है, फोकस दिया गया, सेंटर दिया गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर का एक क्या है, इमेज है, सेफ है, सेफ भी बोल रहा है, या आप इमेज बोलिए, देखिए कुछ तो दिया होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक ना, 10 सेंटीमीटर बेंड ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो देखिए सेंटर से यहाँ पोल तक की दूरी 10 सेंटीमीटर और ये देखिए बेंड इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल से इसका दूरी मतलब पोल ये हुआ, तो यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, अब हम लोग को जानने वाली बात है, ठीक है, ये इक्वल पार्ट में काटा गया है जो कितने कितने लेंथ का है, 10 सेंटीमीटर का,
तो यहाँ पे हम एक रख दिए, तो इसका नाम हम रख दिए ए और बी, ये कितने का डिस्टेंस का है 10, और इसी चीज को हम नीचे बना दिए तो ए डैश और बी डैश। ठीक है, देखिए बोल रहा होगा, एक मिनट रुकिए, पर्सन इक्वल अपोजिट बोल रहा होगा टू वर्ड्स पोल द फ्रॉम विच कर्वेचर ऑफ इवेंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर देन द रेशियो ऑफ लेंथ मिरर अपराइट पर्सन। ठीक है दोस्तों, टू एक्स तो ये हुआ, ये ए डैश और बी डैश। ठीक है, इसी चीज को हम लोग को निकाल देना है, ये निकालना है। देखिए तो ए बी का दूरी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये ए डैश और बी डैश का भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये ए सी का भी दूरी क्या हुआ 10 सेंटीमीटर, ए सी का दूरी क्या हुआ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी भी तो 10 सेंटीमीटर, तब ना 20 हुई, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये तो बताने वाली बातें नहीं थी, फिर भी हम आपको बता देते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों हम स्केल से नहीं बनाया, आप लोग जब स्केल से बनाइएगा ना तो उसको परफेक्ट बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां तक सभी को समझ में आया मेरे बात, तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 4AB, क्या लेते हैं दोस्तों 4AB, इसको AB को हम लोग ले रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, आप शायद भूल गए होंगेगा क्योंकि आपका इंटर का एग्जाम खत्म हो चुका है, f by f minus u बताए थे दोस्तों, ये कब यूज होगा फॉर्मूला, ओनली फॉर ट्रांसवर्स के लिए यूज होगा दोस्तों, समझे ना, यही ट्रांसवर्स हो रहा है जिसके चलते ये हो रहा है, समझे ना ये इमेज। ठीक है, ओनली फॉर ट्रांसवर्स के लिए ही यूज होगा, माइंड में रखे ट्रांसवर्स वर्ड जहां भी आए या आपको ट्रांसवर्स करना होगा तो इस फॉर्मूला को लगाइएगा, दूसरे को नहीं लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एम, ठीक है दोस्तों, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू हमारा कितना होगा, ये 10 है, सी से पोल तक की दूरी सी, तो एफ इसका आधा होता है तो 10 है, क्या हो जाएगा 5, तो 5/5 - यू का वैल्यू हमारा कितना होगा बोलिए, -20, कितना हो जाएगा दोस्तों -20। अब ये हम नहीं बताएंगे कैसे माइनस आ गया, पकड़ लो यू हमेशा माइनस होता है, चलो -20। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एम 5 + 20। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ तो गलती हो रही है, ध्यान दीजिए आप लोग, यहां भी माइनस है, नहीं दिख रहा है, ये बराबर में ही कट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां भी क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो ये हमारा माइनस और ये हमारा माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका कितना आ जाएगा बोलिए 5/50, कितना आएगा दोस्तों -5/50। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को, तो इसको कटाइए, 5 1 = 5 और 5 3 = 3, तो m इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -1/3, कितना हो जाएगा दोस्तों 1/-1/3, इतना चीजें समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब देखिए, तो m इक्वल टू 1/-1/3 हो गया, ठीक ना, इमेज क्या बनेगा इसमें, उल्टा बन रहा है, देखिए, तो इसी चीज को हम लोग निकाल रहे थे m, तो ये जो इमेज आप ab का बना रहे थे इसी का उल्टा बन रहा है, माइनस आ गया, तो यही ये वाला इमेज ये बनाया गया है ट्रांसवर्स के थ्रू, समझे ना, तो ये जब 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सभी को समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग ए डैश बी डैश को निकालते हैं, ए डैश बी डैश दिख रहा है दोस्तों, ए डैश बी डैश, ठीक ना दोस्तों, चलिए दिख रहा है, ए डैश बी डैश को अब हम लोग निकालेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
यहाँ पे ये तो 10 आई है ए डैश बी डैश और ये बटा में 3 आया है, तो हम लोग सिंपल लिख देते हैं 10 बाई 3 सेंटीमीटर। समझ गया दोस्तों, सभी को समझ में आया कैसे हुआ? इसका वैल्यू जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, बस उल्टा आया माइनस, तो 10 बाई 3। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ गया होगा मेरी बातें। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां आते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या लेते हैं, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हमारा क्या आ गया 10 cm सेंटीमीटर बाई 3। ठीक है, अब चलते हैं लिखेंगे 4 हॉरिजॉन्टल पोर्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी 10 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर, ए डैश सी बटा ए डैश बी इक्वल टू वाट, यही निकालना था हम लोग को। ठीक ना, इसी पे आगे हम लोग आएंगे। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या, ए, कौन सा पोर्शन दोस्तों, ए। ठीक है, ब्रैकेट में कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग लेंगे मिरर इक्वेशन, हम लोग को पता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है दोस्तों, इतना सभी को समझ में आया। तो ये हो गया 1/-x - 1/20। देखिए यहाँ पे x हम लोग दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो 1/-x - 1/20, ये 20 है। ठीक है, इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा बोलिए, 5 दोस्तों, -5, 1/-5। चलिए तो हम लोग करते हैं 1/x इक्वल टू, इसको चलिए इसको इधर ले जाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस से इधर वाला माइनस हम लोग काट दिए, तो 1/20। ठीक है दोस्तों, या 1/5 लिखे, ये माइनस से इधर वाला माइनस कट गया, 5 माइनस 1/20। ठीक है दोस्तों, तो 1/x इक्वल टू 4 - 1/20 होगा, ये 5 को 20, तो 4 + 20 = 20, तो ये 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बोलिए दोस्तों, तो 1/ दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा, 1/x इक्वल टू 4 - 1/20, ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां आ जाते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3/20। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू 20/3, मतलब 20/3, क्योंकि ये हटाया 1, तो इतना आ गया आंसर हमारा। कितना आया दोस्तों, एक रिजल्ट हमारा ये आया, एक रिजल्ट हमारा ये आया, और एक रिजल्ट हमारा क्या आ गया, ये आ गया x इक्वल टू। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए ए डैश सी निकालते हैं, ए डैश सी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो लिखते हैं ए डैश सी इक्वल टू 10 - 20/3। ठीक है, ए डैश सी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 10 है। ठीक है दोस्तों, तो 10 है, नहीं रुकिए, देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमारा कितना है, 20 है, तो इसको हम लोग निकाले तो कितना आया, 20/3 आया, x का वैल्यू क्या आया, 20/3 आया दोस्तों, और हमारा 10 किसका वैल्यू आया, 10 बताइए, इक्वल पार्ट लेंथ का वैल्यू है, और नहीं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये 10 - 20 - रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, तो 10 - 20 - 3 करेंगे हम लोग, तो इसको कीजिए, इसका एलसीएम 3। ठीक है, और इसको कीजिए, यहाँ 1 है तो 3, तो 30 और ये 20। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को, आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश सी इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास ए डैश सी आ गया, और ए डैश बी डैश भी हम लोग निकाल लिए, कहां से, देखिएगा
ए डैश बी डैश भी हमारे पास 10/3 आया है, ए डैश बी डैश दिख रहा है भी 10/3 और ए डैश सी भी 10/3 और वही चीज हम लोग निकालना था, तो लिखेंगे ए डैश सी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू 10/3 बटा 10/3। ठीक है, एक को नीचे ले जाएगा तो ये 3 ऊपर जाएगा यहाँ गुना करके और ये 10 नीचे, दोनों बात बराबर कट जाएगा। तो हम यहीं पे कटा के क्यों ना लिख दें, तो यहीं पे जब हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो बोलिए क्या होगा, ये आएगा 1/1 दोस्तों, कितना आएगा 1/1 दोस्तों, 1/1 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:1 1:1 या अनुपात बोलिए आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, 1:1, ठीक ना, 1:1। देखिए इसमें आंसर कौन सा है, सी नंबर दोस्तों, तो लिखेंगे आंसर इज सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आया कि नहीं आया बातें मेरी, तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो आप लोग लिख लें। तब तक के लिए मैं जल्दी कीजिए, जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे अच्छा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये तो वीडियो है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा कि अभी आप लोग का पेपर बहुत ही नजदीक है, इसलिए आप लोग मन से पढ़ाई करें और देखें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि उन्हें भी अगर कुछ फायदा हो जाता है तो अच्छी बातें है, कम से कम आप बोलेंगे तो सही कि हमारा दोस्त IITian है या NITian है या एम्स से डॉक्टर है, इतना तो फर्ज बनेगा, आपको जहां मिलेगा वहां आपको भी सम्मान करेगा, दोस्त दोस्त को कभी भूलता नहीं है, कितना भी कुछ हो जाए, मारपीट कुछ भी हो जाए सब चीज, फिर भी दोस्त दोस्त को नहीं भूलता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों दोस्तों को बताएं, वो लोग जाने, वो भी पढ़े और वो भी देखे, उन्हें भी कुछ फायदा हो जाएगा तो आपका जिंदगी भर नाम लेंगे, भले आपसे उज्जलन करे कुछ भी करे तब भी कोई दिक्कत ना है। तो दोस्तों को, क्योंकि दोस्त कभी छूटेंगे नहीं जो कुछ दिन रह गए साथ, तो हमेशा याद रहेंगे, जो मिले जुले और चले गए उनको आदमी भूल जाता है, लेकिन जो लोग रह जाते हैं कुछ दिन टाइम बिता लेते हैं उनको भूलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अपने आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दूसरे की चीजों पे बातें नहीं कीजिए, आपका पेपर नजदीक है इसलिए दोस्ती से दोस्तों से कम पढ़ाई लिखाई की बातें कीजिए, कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, इससे आप पीछे की तरफ जाइएगा। इसलिए मेरा कहना, अगर आप मान लो आप लोग मानते हैं तो किसी से नो सवाल नो डिस्कशन, अपना पढ़ाई करना है पढ़ाई कीजिए, नहीं तो घूमना है घूमिए, पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं है, क्या पता आप जिससे पूछ रहे हैं उसे ही नहीं आता हो, ठीक ना दोस्तों। तो ये चीजें हैं, तो इस चीजों को आप फॉलो कीजिए और इस चीजों को रूल को पढ़ें, और मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आपको डेली एक 1-1 वीडियो इसके रिलेटेड मिलते रहेंगे आपको। तो चलिए तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड गुड नाइट, आप लोग अपना खूब ख्याल रखें, अच्छे से रहें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। तो दोस्तों चलते हैं और फिर मिलते हैं, हम किसी नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। चलिए तब तक के लिए गुड डे, गुड नाइट दोस्तों।